जब भी फूलों की बात चलती है तो सबसे पहले उसकी महक नाकों तक आती है, लेकिन हम आपको जिस फूल के बारे में बताने वाले हैं उसके पास जाने के लिए आपको अपनी नाक बंद करनी पड़ेगी। अमेरिका में इन दिनों एमोरफोरफेलस टाइटेनम नाम का फूल खिला है, जिसे देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ जुट रही है। दरअसल एमोरफोरफेलस टाइटेनम फूल एक दशक में एक बार ही खिलता है, लेकिन इसके पास जाकर खड़े होना आसान नहीं। इस फूल से खुशबू नहीं बल्कि सड़े हुए मांस की तरह महक आती है, इसलिए इसकी बदबू पर वैसे ही मक्खी आकर्षित होती है जो जानवरों के शवों पर होती है। अमेरिका ही नहीं, एमोरफोरफेलस फूल केरल में भी खिला है जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। इस फूल को अमेरिका का अपशगुन भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब ये फूल खिलता है तो अपशगुन आती है। ऐसे में एक दशक में खिलने वाले फूल को भले ही लोग देखने के लिए आते हों, लेकिन दिल में शंका घेरे रहती है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल एमोरफोरफेलस टाइटेनम 10 साल बाद अमेरिका में खिला। प्रकृति भी हमें चौंकाने से नहीं चूकती, कई बार तो ये हमें ऐसे गिफ्ट्स देती है जो अद्भुत होते हैं। आमतौर पर लोग ऐसे फूलों को पसंद करते हैं जिन्हें वो आसानी से अपने हाथ में पकड़ सके, पर ऐसे फूल भी मौजूद हैं जो औसत इंसानी लंबाई से कहीं बड़े हैं। बड़ी मुश्किल से खिलने वाला 10 फीट का ये फूल अपशगुन वाला फूल माना जाता है।